माँ बगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर यज्ञ में सम्मिलित सभी मुख्य यजमानों से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। नवजीत भारद्वाज ने आज प्रथम नवरात्र के शुभ अवसर पर आए हुए सभी माँ भक्तों को हार्दिक बधाई दी एवं माँ भगवती के पावन शारदीय नवरात्रि पर की सभी भक्तों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये पावन दिन भक्तों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दौरान मंदिर परिसर में घट स्थापना एवं खेतरी रोपण का आयोजन पूर्ण विधि विधान से किया गया, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि ये तो सर्वविदित है कि समय एक सा नहीं रहता, बुरे वक्त से भी कोई अछूता नहीं रहता। बुरा वक्त भगवान श्री राम पर भी आया, श्री हनुमान जी सहित जो दुख में उनके साथी थे उनको सुख में भगवान श्री राम ने पूरा मान सत्कार दिया। संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने कहा कि दुख में जो साथ देता है उसका सहयोग निस्वार्थ होता है, और जब दुख की रात्रि व्यतीत हो जाए और सुख की उजली सुबह आ जाए तो दुख के साथी पर अच्छा वक्त प्रवान कर देना चाहिए। इस दौरान महामाई को पंचमेवा के भोग अर्पित किए गए। माँ बगलामुखी जी के जय घोष से सारा वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर श्रीकंठ जज, एडवोकेट राजकुमार, गीतेश, गोपाल मालपानी, मधुकर, विवेक शर्मा, विक्रांत शर्मा, रमाकांत शर्मा, रोहित बहल, बाबा जोशी, अमरेंद्र कुमार शर्मा, मुकेश चौधरी, मोहित बहल, राजेंद्र कत्याल, अभिलक्ष्य चुघ, अशोक शर्मा, जसविंदर सिंह, गुरबाज सिंह, गुलशन शर्मा, संजीव, राजेश महाजन, गीतेश, यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, मानवी भार्गव, राजीव, राकेश, ठाकुर बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस, दिनेश चौधरी, पंकज, पप्पू, मानव शर्मा, दीपक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। लम्मापिंड रोड माँ बगलामुखी विराजमान है। माँ की अपार कृपा के नाल अज माँ के नवरात्रे शुरू हो गए ने। समूह शहर वासी ते देश वासियों नू बहुत बहुत ही वधाइया। माँ बगलामुखी धाम अज खेतरी बीजी के माँ के नाम की सारे भक्तों ने आके अज सप्ताहिक हवन यज्ञ किया, माँ का गुणगान किया। सारे नवरात्रे दे मैं बहुत बहुत वधाइया देना। नवरात्रे के उपलक्ष के सारे ही सात्विक रह के माँ का गुणगान करो, माँ का आशीर्वाद लैन वास्ते सारे ही जय माता दी करो। सुबह शाम माँ की आरती करो, माँ का गुणगान करो, अपने धर्म की जय जयकार करो, अपने धर्म के प्रति सारे जागरूक करो, धर्म के नाल जुड़े रहो। अज माँ के हवन यज्ञ के पंचमेवे का हवन यज्ञ किया गया, ना कि किसी होर समग्री का। अज पंचमेवा पा के पंचमेवे के नाल ही सारा यज्ञ माँ के चरणों किया। हवन यज्ञ दे विच अज सारे भगतों ने आके अपने अपने वालों भी लिया पंचमेवा, तो मंदिर की कमेटी वालों पंचमेवे हवन यज्ञ होया। जय माता दी, जय माता। जय माँ बगलामुखी जी। अज माँ बगलामुखी दरबार जो कि गुलमोहर सिटी स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर दे विच अज शारदीय नवरात्रे के पहले दिन महामाई की विशेष पूजा अर्चना हुई, खेतरी रोपण होया,
घट स्थापन होया और विशेष रूप दे विच अज महामाई दे हवन यज्ञ दे विच पंचमेवे दे नाल हवन यज्ञ किया गया। बहुत ही दूरों दूरों संगत आई और बहुत ही सवेर तो रश सीगा और अज नवरात्रे का पहला दिन होने करके विशेष उत्साह सी सारे भगतां दे विच महामाई दे दरबार ते पहुंच के हवन यज्ञ च शामिल होण दा। वैसे तो सारा साल ही इस चराचर जगत की मां नू याद करने लई हुंदा, पर साल च दो वारी एक नवरात्रे चैत्र दे एक ए वाले शरदीय नवरात्रे इन्हां दा विशेष जिहड़ा महामाई दे लई तपस्या लई इह दिन बने हुए है। मेरी करवद प्रार्थना है सारे समूह संगत नू जिथे जिथे तक साडी वैब पोर्टलां दे हलचल ते जिन्ने न्यूज़ पेपर उहनां दे थ्रू आवाज़ जावे, साडा संदेश है कि दाती दे दरबार ते पहुंचो, हवन यज्ञ च आहुतियां पाओ। सब तो पुरातन जिहड़ी सभ्यता है साडी हवन यज्ञ दे नाल जुड़ी हुई है, दरबार ते आके नतमस्तक हो, अपनियां झोलियां खुशियां नाल भरो। जय मां बगला।